बीजेपी के अंदर खाने से जो खबर आ रही है कि 10 ऐसे कांग्रेस के विधायक हैं जो बीजेपी के संपर्क में हैं, तो रणनीति कुछ ऐसी है सूत्रों के हवाले से कि कांग्रेस विधायकों को किसी पार्टी में मर्जर कराने की बजाय एक अलग गुट बना दिया जा सकता है और अलग गुट बनाकर मान्यता दिलाई जा सकती है, जो कि महाराष्ट्र में हुआ। एनसीपी शिवसेना वाला फॉर्मूला लागू हो सकता है बिहार में भी, क्योंकि बीजेपी दावा कर रही है कि 10 कांग्रेस के विधायक उसके संपर्क में। और बिहार को लेकर बीजेपी सूत्रों से भी बड़ी खबर मिल रही है, बीजेपी एक साथ चुनाव के पक्ष में नहीं है। ये सूत्र बता रहे हैं लोकसभा विधानसभा चुनाव साथ नहीं चाहती है बीजेपी। जो बीजेपी खेमे से खबर निकल कर आ रही, नीतीश की एंटी इनकम्बेंसी से नुकसान की आशंका है, ये भी प्लान तैयार है बीजेपी के भीतर। ये सूत्र बता रहे हैं कि एक साथ चुनाव साथ नहीं चाहती है, यानी लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव नहीं चाहती है बीजेपी। लेकिन अभी एन मौका तो ये है कि लोकसभा चुनाव पास में है, अब इस पर बीजेपी की स्ट्रैटेजी क्या होगी इस पर देखना होगा। और बीजेपी के बिहार प्लान पर एक और बड़ी अपडेट है, पिछड़े वोट बैंक पर फोकस करेगी बीजेपी, नीतीश के साथ पर बयानबाजी रोकेगी बीजेपी। बीजेपी नेताओं को सख्त निर्देश दिए जाएंगे, पिछड़ा और अति पिछड़ा के मुद्दों पर ज्यादा बात होगी। तो देखिए अलग अलग रणनीति पार्टियों की बन रही है कि किस तरीके से अब जनता के सामने अपनी बात रखी जाए। और रजनीश के पास भी चलेंगे, क्योंकि रजनीश उस रास्ते पर है जहां से नीतीश कुमार का काफिला गुजर रहा है, बक्सर जा रहे हैं ब्रह्मेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना करने, वहां ले चलेंगे आपको। लेकिन आपको सबसे पहले बताते हैं कि कैसे टीवी 9 भारतवर्ष ने हर खबर बिहार से जुड़ी हुई, सियासी घटनाक्रम से जुड़ी हुई हर खबर सबसे पहले ब्रेक की आपके सामने रखी। आपको एक के बाद एक ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले टीवी 9 भारतवर्ष ने दिखाई। टीवी 9 ने सबसे पहले बताया कि लालू यादव ने बिहार में बहुमत का दावा किया। टीवी 9 ने ही सबसे पहले बताया कि तेजस्वी ने कहा कि आसानी से तख्ता पलट नहीं होने देंगे। टीवी 9 भारतवर्ष ने सबसे पहले आपको बताया कि नीतीश कुमार ने लालू का 5 बार फोन नहीं उठाया। टीवी 9 ने ही सबसे पहले आपको बताया कि कांग्रेस के 10 बागी विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। ये 5 बड़ी खबरें बताती हैं कि बिहार के सियासी घटनाक्रम में क्या क्या उलटफेर हुए हैं।